ओम शांति। आज 10 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा की याद से शाहूकार कैसे बनते हैं, कैसे हम सच्ची कमाई करते हैं, वो विधि बाबा ने बताई। और वो विधि है, बाबा कहे, बस बिंदु बनो और बिंदु बाप को याद करो। एक बाप को जब याद करते हैं, अर्थात एक, और जब बाकी सब बातों को बिंदु लगा करके बिंदु बन याद करते हैं, तो बिंदु लग जाता है, तो एक के बाजू में बिंदु लगा तो 10। इसी प्रकार बाबा कहे, जब और याद करते हैं बिंदु बन करके, तो और बिंदु जुड़ जाता है, तो 10 के आगे और एक बिंदु जुड़ा, अर्थात 100, फिर 1000। इस तरह बाबा कहे, अपनी याद के द्वारा सच्ची कमाई कर तुम शाहूकार बन जाते हो। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है कि आत्मा कैसे इतनी समृद्ध हो जाती है बाबा की याद से। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें शाहूकार बना देती है? उत्तर, बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो शाहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर मरने की बात हो तो बाबा कहे, कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। शमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। तो बाबा कहे, ये गायन एक एक परवाने के लिए है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं, भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। रास्ता क्या है? सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कायत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वह वारिस नहीं ठहरी,
ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है, कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है, नई दुनिया में मनुष्य थोड़े और सुख बहुत होता है, पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है, पतित पावन परमपिता परमात्मा है, ये समझते भी है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेंगे, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है, बाबा पूछते, अच्छा दुख देने वाला कौन, बाप तो दुख दे न सके, बाबा तो कभी दुख दे न सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है, पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है, ये बाबा तो हमें पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे, अभी तुम बच्चों को ये समझना है, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा, वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला, हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, बच्चों की बुद्धि में रहता है, शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, कृष्ण का डांस करना मुरली बजाना वह सब भक्ति मार्ग का है, बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, उस समय बाबा ने भविष्यवाणी किया था, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु, व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा, तो तुमको भी शिव को याद करना है, जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, तुम आधा कल्प के लिए शाहूकार बन जाते हो, वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं, बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे, इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी, मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है, बाप ने समझाया है, प्यूरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तुम आत्मा पहले प्योर थी फिर इम्प्योर बनी है, बाबा कहे स्मृति दिलाते हैं बाबा कि तुम आत्मा पहले प्योर थी फिर इम्प्योर बनी हो, सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास, सन्यासियों का सेमी प्योर कहेंगे क्योंकि वो बाप की श्रीमत से पावन नहीं बनते या पवित्र नहीं रहते, तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं, बाबा कहे तुम जानते हो
क्या जानते हो वह कितना सुख लेते हैं, नई दुनिया में जो होंगे वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे भी लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, यह धंधा कोई बिरला करे। नर से नारायण बनने का धंधा कोई बिरला करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है। ये धंधा कैसे करना है सो भी बाबा सिखाता है कि बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ, यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं, कर्म बिगर तो कोई रह न सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसीलिए कहते शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सत्युग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए। यहां तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहां पुकारते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी अर्थात गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो मैं आया हूं। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। बाबा एहसास दिलाते हैं, महसूस कराते हैं ताला क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों समझ में नहीं आती है बात। तो बाबा कहे तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करें, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे, टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो अच्छे कर्म करने के लिए ताकि बुद्धि का ताला खुल जाए, तो इसीलिए बाबा कहे प्रदर्शनी के सामने जाकर बैठो, लोगों को समझाओ, ज्ञान दान करो, क्योंकि ज्ञान दान से ही हमारा पाप कटता जाएगा, दुआएं इकट्ठी होती जाएंगी, पुण्य इकट्ठा होता जाएगा, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला भी खुलेगा।
खुलता जाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं माला फेरो, 1,000 बार फेरो या 10,000 बार फेरो, तब तुम्हारा ये संकट मिट जाएगा। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। फिर आदत छोड़ना, बाबा कहे फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी-छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहां तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। बाबा जानते हैं कलयुगी दुनिया में ठगी भी कैसे करते हैं, तो दोनों पर लिखा है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए तो शायद बाबा कहे वो फीचर्स आ सकते, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं, ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर, बाबा कहे तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्थान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा, शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो, यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो, अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो,
वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। बाबा कहे यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो, यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। इसलिए पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना? यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्यूरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अलफ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से ही पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी चीची आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। आज का स्लोगन है, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो,
तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।